नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए कल गुरु भक्ति महिला मंडल बड़ाम लेहरा में मनाया विश्व योग दिवस। मन आनंदित स्वस्थ शरीर, योग हरेगा तन की पीर। इस स्लोगन के साथ अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन महिला परिषद मध्य प्रदेश की प्रांतीय चेयरपर्सन केशर जैन रजनी ने बताया कि स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु योग एक भारतीय साधना प्रणाली है। 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर सभी लोग योग करते हैं, परंतु वैश्विक महामारी के चलते लोगों ने समूह में योग न करके घर पर ही योग किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पर घर पर योग परिवार के साथ योग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद मध्य प्रदेश के सुरसुंदरी संभाग की शाखा गुरु भक्ति महिला मंडल बड़ाम लेहरा ने अपने घरों पर योग कर विश्व योग दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रांतीय चेयरपर्सन केशव जैन रजनी, शुभा जैन, रश्मि जैन, रिंकी जैन, चंदा जैन, कल्पना जैन, दीप्ति जैन, प्रशंसा जैन, रोशनी जैन, रचना जैन के अलावा समस्त सदस्यों की भूमिका रही। आज आपके द्वारा योग दिवस पर क्या किया गया? आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद के द्वारा योग दिवस मनाया गया, जिसमें सभी ने एक साथ एक समय पर अपने अपने घरों में योग किया। योग में कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार आदि बहुत सारी क्रियाएं करी हैं, जिससे हम सभी को बहुत अच्छा लगा। आप समाज को क्या संदेश देना चाहती? मन प्रसन्न, मन आनंदित, स्वस्थ शरीर, योग हरेगा तन की पीर। इस स्लोगन के आधार पर मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि योग हमारे जीवन की साधना है, और इस साधना को साधन के रूप में मान करके हमें योग करते रहना अनिवार्य है। योग जीवन जीने की कला है और जो हमारे जीवन की अनिवार्यता है। योग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए हम सबको करते रहना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? निश्चित ही कोरोना वायरस चरम सीमा पर है, अब यह छोटी छोटी जगह पर भी पहुंच चुका है, इसलिए इस समय हम सभी को सावधानी रखने की नितांत आवश्यकता है। हमें अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, और बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलते वक्त मास्क लगा करके निकलें, लोगों से दूरी बना करके रहें, और घर में आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें और हाथों को बार बार धोते रहें, और साथ साथ योग करें।